OMG, अब खेल नहीं खुल रही। So this is the pavilion, is the dressing room, is the अल्फा सिंह कल सेंचुरी चाहिए, पूरी कोशिश रहेगी। उस स्टाइल में यहाँ पर खत्म करेंगे अमनदीप सिंह के। और ये उठाकर खेल लिया भाई, और ये उठाकर खेल लिया था, और ये कहीं ना कहीं खतरनाक ना हो जाए। एक बॉल पे एक और ये अच्छी गेंद यहाँ पर, और ये आउट। जी हाँ बिल्कुल, मैच में अभी बहुत कुछ बाकी है, आखिरी है विकेट। सो जी थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। मेरा पहला ऐसा क्रिकेट व्लॉग है जो 100K टच करा है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से करा है। सो उस खुशी को आपके साथ बांटने के लिए जी मैं आपके लिए एक नहीं दो बैट गिव अवे के लिए लाया हूँ। आप देख सकते हो पन्नी भी चढ़ी हुई है, विक्रांता पाजी का बैट है, उनसे मैंने स्पेशली कश्मीर विलो बैट तैयार करवाया है, जो कि MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, आंद्रे रसल, यू नेम इट, एंड उन्होंने हर क्रिकेटर का बैट बनाया है। पिंग बहुत प्यारा है, जल्दी से देख लो। बट जी गिव अवे की कुछ कंडीशंस है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पिछली वीडियो को लाइक और शेयर करना है, दोनों के नीचे कमेंट छोड़ना है कि आपको ये बैट क्यों मिलना चाहिए। प्लस मेरे इंस्टाग्राम पे आपको DM करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे YouTube का जिसमें सब्सक्राइब दिख रहा हो, और इंस्टाग्राम पर तो मुझे पता लग ही जाएगा। गिव अवे तभी होगा जब इस वीडियो पे 100K होंगे, क्योंकि तभी मुझे पता लगेगा ना कि आपने इस वीडियो को शेयर करा है। तो थैंक यू सो मच, आएगा व्लॉग, एंजॉय करो। ओके दोस्तों, सेकंड वीक, अगला हफ्ता जनता फिर निकल गई है, मतलब निकल रही है देहरादून के लिए अपना सेकंड मैच खेलने, जो कि है कल फ्राइडे को, और एक और थर्ड मैच भी वो है परसों सैटरडे को। आज भी हमारे साथ आकाश शर्मा हमारे स्पेक्टेटर मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा आने का। और आज अपने पैठा सिंह तो आई रही है, अभी उनको मेट्रो से उठा रहे हैं, एक और स्पेक्टेटर ज्वाइन होने वाले हैं, उनको हम रास्ते से मेरठ से उठाएंगे। इतनी सी अपडेट थी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, दिस इज द वन एंड ओनली इंडिया का नंबर वन व्लॉगर जॉन। ओह माय गॉड, 7:05 दिल्ली मेरठ हाईवे पे चक्का जाम, पैठा सिंह जी आ चुके हैं। बुरा हाल है, बुरा हाल तो है, आप बताओ आपके क्या हाल है? क्या हाल है? अपने तो मस्त है, स्टार्टिंग से मस्त है, मस्त है, बाद में भी मस्त रहेंगे। पैठा सिंह जी आपको अगर पता नहीं है, हमने उनका ढंग इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ये हमारे स्कूल के तो फ्रेंड है ही, लेकिन ये इंग्लैंड के भी बहुत बड़े, क्या बताऊं मैं आपको, क्रिकेटर तो है ही। बहुत बड़ी शख्सियत है इंग्लैंड में, वो बातें खुल नहीं सकती। इनके जो इंग्लैंड में कारनामे हैं, वो अगर ऋषि सुनक को पता लग जाए तो वैसे ही एंटर नहीं होने देगा, तो इनका वीजा जो भी दोबारा लगने वाला, रिन्यू होने वाला है, वो कैंसिल कर देगा। इसलिए पैठा सिंह अपने दूसरे शौक पूरे कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, जो कि है क्रिकेट, छक्के मारने का, ठाठा करने का। पिछली बार रन आउट हो गए, पिछली बार बहुत बुरे रन आउट हुए, मुझे बहुत बुरा लगा। मैच देखा भाई, तो बहुत बुरे रन आउट हुए। अगर पैठा सिंह जी उस दिन रन आउट नहीं होते, 10 रन से मैच हारे हैं, बनता नहीं था। एक ओवर पहले खत्म होना था, जीता हुआ मैच हारे हैं। बट कल नहीं हारने वाले, अब कल तो गारंटी नहीं हारने वाले, परसों का भी पता नहीं, बट कल की तो मेरी गट फीलिंग कहती है, और गट फीलिंग अपनी सही कहती है। विजेता से हमारा मैच है उत्तराखंड वाले, विजेता कौन नाम है उनका, उत्तराखंड विजेता, पहली विजेता घोषित कर दिया, ऐसे नहीं चलता जी। क्या चल रहे हैं इनके स्टैट्स, कुछ देखे आपने? बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग कैसी है? कल देखते हैं, अभी ज्यादा बात नहीं करते, मैच की टेंशन अच्छी नहीं है ज्यादा लेनी, टेंशन तो वैसे ही लेते दूसरी टीम को हमने इतनी टेंशन दे दी, तो उन्होंने जी हमारे आधार कार्ड मंगवा लिए, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लेवल का टूर्नामेंट है, यहाँ पे 24 साल से नीचे के लोग नहीं खेल सकते, और सिर्फ जो प्योर कॉर्पोरेट वाले हैं, मतलब जो स्टेट नहीं खेला पिछले 5 साल में, या ऐसे कोई बड़े लेवल के टूर्नामेंट नहीं खेला, तो उसको अलाउड नहीं खेला। तो बट हमारी परफॉर्मेंस देख के दूसरी टीम थोड़ी घबरा गई, जो की टीम थी स्पोर्ट्स फिट बाय MSD, MS धोनी की टीम है वो, ऐसा कहते हैं, नाम नाम तो लिखा हुआ उन्होंने, बाकी पता नहीं कहते भी है वैसे, है ना?
कैसी टीम हो सकती है, मुझे समझ नहीं आती। एमएस धोनी ऐसी टीम बनाएगा? वही तो, आई डोंट नो। हेलो फ्रेंड्स, पकौड़े खा लो। हमारी दूसरी सवारी कैमरा पर्सन इशप्रीत सिंह आ चुके हैं। आपको पता ना आपका काम क्या है? चलो पहले से ही पता करके आए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इम्पैक्ट कैमरा पर्सन, सर्जिकल प्लेयर, सर कोच साहब, कोच साहब हमेशा व्हाइट शर्ट पहन के रेडी रहते हैं। 70 मिनट 20 ओवर है तुम्हारे पास भाई। ठा सिंह जो कपड़े मैचिंग करके आए हैं, पटका तक मैचिंग करके आए हैं, और नीचे नाइकी, माय गॉड भाई, अंदर भी मुझे लग रहा है चेक ही है सब। स्मार्टी बॉय। होटल में चेक इन कर लिया है, होटल का नाम है होटल कंफर्ट। आइए प्लीज, वेलकम करता बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। भाई इसमें कीड़े तो नहीं होंगे? कई रात में गुजारते रहे। अच्छा किसका है? डैडी का। भाई रूम रूम टूर ले लो, भैया स्टार्ट हुआ वक्त है। फिर दीवार पे प्रीमियम गद्दा लग चुका है, स्लीप वेल का। ये क्रिकेटर भैया देखो, रणजी ट्रॉफी है और फील करेंगे। तो दोस्तों मैच लग गया जी अभी से ही। चलो बॉयज, बॉयज पहुंच चुके हैं जी मैदान में। टाइम इज 1, टेम्परेचर इज 43 डिग्री। ये तो पूरा दिखाया हमने पिछले ब्लॉग में दोस्तों को। आइए OMG, ओके नहीं खुल रही, गर्मी तो लगेगी। हाँ, आज मेन पिच पर मैच है जी। जो पिछला वाला मैच था पूरी घास ही बॉल पड़ गया, ऐसा चल रही थी। आज मुझे लगता है बैट पाएगी, आज देखो तुम, आज हम अच्छी बैटिंग करेंगे। यस कुछ बोलना चाहेंगे? मैं इससे पहले टॉस जीत गया ये, पहले बॉलिंग, मैं बैटिंग करना चाहता था वैसे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए उतारा है यहाँ पर उत्तराखंड को। तो देहरादून सुपर किंग्स की अगर बात करें, वो मेहमान नवाजी और ये उठाकर खेल जाता, और ये कहीं ना कहीं खतरनाक ना हो जाए। ये काफी ऊंचा गई थी ये गेंद, ये बिल्कुल भी अच्छे चित्र नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी किसी खिलाड़ी के साथ ना हो, क्योंकि कैच बड़ा ऊंचा गया था
और मौका भी था वहां पर, उन्होंने जिस तरीके से वो मैदान को सीधा मैदान को काफी अच्छे तरीके से कवर किया था इस मैच को, कैच को पकड़ने के लिए, काफी दर्दनाक। और एक बार फिर से उठाकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की वहां पर। अल्फा सिंह 155 पे पारी खत्म। यस, चेजेबल है 120-125 के आसपास कर सकते थे हम। चलो कोई आप ट्रॉफी ले आना, मैन ऑफ द मैच की। चलो बढ़िया यार, स्वागत है आप सभी का इस दूसरी इनिंग में। वो इस समय ये अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है, सामना कर रहे हैं महिपाल सैनी का, और ये अच्छा हल्के हाथों से खेला। गेंदों में और ये लेग ग्लांस कर दिया है, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद लेकिन रोक नहीं पाएंगे, और चार रन। और जी अच्छा शॉट, एक या दो पार्टनरशिप को अगर आप छोड़ दें तो बहुत ज्यादा पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली है। और इस बार उठाकर खेला है ये मिड विकेट के ऊपर से, फील्डर वहां मौजूद जरूर थे लेकिन रोक नहीं पाए। जी हाँ, हवाई फायर स्लिप के साथ यहाँ पर गेंदबाजी का ना कहीं साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो डालते हुए बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ उसका कहीं से भी कोई भी प्रेशर काम नहीं करेगा उनके ऊपर। अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है महिपाल के द्वारा, केवल 13 रन उन्होंने दिए हैं रन बॉल। और इस बार उठाकर मारने की कोशिश थी, कनेक्ट उतना अच्छा नहीं कर पाए और विकेट गवा बैठे अपना। एच सिंह क्रीज की तरफ बढ़ते हुए, अगली गेंद इस बार उठा दिया है और ये इस बार पुल कर दिया है, अच्छा शॉट चार रनों के लिए, अच्छी बल्लेबाजी यहां पर। और जितना जैसा उनका नाम है अमनदीप सिंह, उतना ही डीप ये शॉट और पावर प्ले की अगर बात करें, ये खेलते हैं मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद है। जी हाँ, एक रन और इस बार उठाकर खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, देखना होगा चार या छह। जी हाँ, छह रन। हवाई यात्रा पर भेज दिया है गेंद को, किसी के पास कोई मौका नहीं, और ये सबसे सेफ शॉट मैं समझता हूं। इस बार खेल दिया है पॉइंट क्षेत्र में और ये सीधा फील्डर के हाथों में, अपना विकेट यहां पर गवाते हुए हरप्रीत सिंह। और देखते हैं कि कितना साथ दे पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे का, क्योंकि पार्टनरशिप की जरूरत है अगर आपको 155 रनों को चेस करना है। पवन अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए कट किया है वहां पर, क्या फील्डर मौजूद है कवर क्षेत्र में। जी हाँ बिल्कुल, एक रन। दोनों की बात करें तो रनो बॉल भी अभी तक बल्लेबाजी नहीं हुई है दोनों बल्लेबाज, इस बार उठाकर खेल दिया है गगन चुंबी ये शॉट और सीधा कॉम बॉक्स की तरफ ये शॉट। 11वां ओवर इस समय लेकर आते हुए अंकित कुमार, पहला ओवर शानदार रहा था और ये उतना ही खूबसूरत शॉट। ये इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और फिर एक बार फिर से बिल्कुल सीधा सर के ऊपर से ये शॉट खेल दिया है। इस बार थर्ड मैन की दिशा में और चार रन और जोड़ लीजिए, ये काफी खूबसूरत ओवर घटते हुए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी एक और ये यहाँ पर अच्छा शॉट और उससे खूबसूरत फील्डिंग, जैसा मैं समझ आता कि स्ट्रैटेजी भी ये हो सकती है कि एक जो बल्लेबाज है वो अटैक करेगा, दूसरा बल्लेबाज एक छोर पे संभाल के रखेगा, कुछ उस तरीके की बल्लेबाजी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस बार
बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए चार रन और लिख लीजिए यहाँ पर। और फिर से इस बार काफी शानदार खूबसूरत ये शॉट, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, बल्ले का पूरा फेस दिखाते हुए। इससे सीधा शॉट मैं नहीं समझता कुछ हो सकता है। प्रतीक यादव 34 रनों पर बल्लेबाजी करते हैं, वहीं 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमनदीप सिंह। और इस बार खेल दिया ये लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्ड वहां पर, 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये इस बार उठाकर खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से, कि जी हाँ किसी के बस का नहीं है, इस शॉट का कोई जवाब नहीं है। ये कट किया है, यहाँ पर फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन रोक नहीं पाए। और 4 रन और यहाँ पर जोड़ लीजिए। प्रतीक यादव काफी जल्दी में लग रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा। इसी के साथ 47 रनों पर पहुंच चुके हैं। ये अगली गेंद, इस बार फाइन लेग क्षेत्र में फील्डर मौजूद जरूर है, रोक नहीं पाएंगे। एक चौका और लिख लीजिए भाई, क्योंकि मैच इस समय काफी क्लोज जाते हुए। हाँ, विकेट जरूर हाथ में है। और इस बार उठाकर खेला है मिड ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद जरूर थे, कैच कंप्लीट नहीं कर पाए, मौका बना था लेकिन उसको भुनाया नहीं। 15वें ओवर की आखिरी गेंद, इस बार एक बार फिर से उसी क्षेत्र में उसी दिशा में और वही फील्डर, लेकिन इस बार कंप्लीट कर लिया है कैच। अरे 6 विकेट अभी हाथ में देहरादून सुपर किंग्स के। और ये उठाकर खेल दिया भाई मिड ऑन के ऊपर से, 6 रन। जी हाँ, अमनदीप के बल्ले से ये छक्का निकलते हुए, और इसी के साथ पहुंच चुके 44 के स्कोर पर अमनदीप। कोई जवाब नहीं यहाँ पर किसी के पास, 128 रन इस समय बन चुके हैं देहरादून सुपर किंग्स के। और इसी बीच 1 रन और चुरा लिया है इस मैच को जीतने के लिए। देखना होगा क्या सिंगल डबल के साथ इस मैच को जीतना चाहेंगे या यहाँ पर जल्दी से खत्म करना चाहेंगे इस मैच को। ये इस बार उठाकर खेलने की कोशिश थी और 4 रन यहाँ पर मिले हैं पूरे पूरे। शॉट और फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं और यहाँ पर बोल्ड हो गए हैं। जी हाँ, मैंने कहा था कुछ ना कुछ ट्विस्ट देखने को मिल सकता है और कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। 1 विकेट और यहाँ पर। और ये अगली गेंद उठाकर खेला है इसे मिड ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद और हाथों में कैच दे बैठे। 1 विकेट और यहाँ पर। और इस बार खेल दिया है ऊपर से मिड विकेट के, सीधा 6 रन, माफ कीजिएगा 4 रन, लेकिन शॉट बड़ा शानदार रहा है। अपने अर्धशतक यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं अमनदीप सिंह। पॉइंट और कवर की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन और फायर रन रेट 5.25 और हल्के हाथों से स्ट्राइक पर लाने की कोशिश है मुझे लगता है कि अमनदीप सिंह को, क्योंकि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि पिच किस तरीके से खेल रही है। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश थी लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से होते हुए 4 रन और यहां पर खाते में जोड़ लीजिए। अमनदीप सिंह के 56 रनों पर पहुंच चुके हैं, केवल 7 रनों की और जरूरत और 2 ओवर बाकी। एक गगनचुंबी छक्के की जरूरत, देखना होगा क्या उस स्टाइल में यहां पर खत्म करेंगे अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह उठाकर खेलने की कोशिश और क्या ये कैच हो पाया है। लगता है छक्का मारकर जो खत्म करने की जो कोशिश थी। और ये इस ओवर की आखिरी गेंद और ये स्टंप आउट, ये भी पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। जी हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है इस मैच में, जाइएगा मत, अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप कह नहीं सकते कौन टीम अभी जीतेगी। और ये अच्छी गेंद यहाँ पर और ये आउट। जी हाँ, बिल्कुल मैच में अभी बहुत कुछ बाकी है। आखिरी है विकेट, 9 विकेट हो चुके हैं
जिसकी उम्मीद नहीं थी कुछ उस तरीके का यहाँ पर कारनामा करके दिखा रही है ये उत्तराखंड विजेता वॉरियर्स की टीम। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्या कहा क्या वापसी की है, हो पाएगा? अच्छी गेंद यहाँ पर और उतना ही अच्छा शॉट, क्या फील्डर वहां पर मौजूद है? जी हाँ बिल्कुल, केवल एक रन मिलेगा और चार गेंदों पर अब चार रनों की जरूरत। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद, अच्छे तरीके से खेला, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे, रोक नहीं पाए और मुझे लगता है दो रन यहाँ पर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, दो रन चुरा लिए यहाँ पर और केवल दो रनों की और जरूरत अब इस मैच को जीतने के लिए। अच्छा एक बेहतरीन दिलचस्प मैच, जितनी तारीफ की जाए इस मैच की उतना कम। और ये इस बार डॉट बॉल, जी हाँ अब दो पर दो और पांचवी गेंद इस समय अभिनव लेकर आते हुए, दो बॉल बाकी और दो रन और निकलकर खेल लिया है। ऊपर से कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, जिस चौके के साथ इस मैच को जीत लिया है यहाँ पर देहरादून सुपर किंग्स। लेकिन शानदार यहाँ पर बॉलिंग की अगर बात की जाए बहुत ही शानदार रही है, क्या आप जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सात रन चाहिए थे, तीन विकेट रहती थी, ठीक है। तो मेरे को था आखिरी ओवर तक नहीं लेके जाना मैच, मैंने सेकंड लास्ट ओवर की दूसरी तीसरी बॉल पे मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश की, छक्का में गैप ढूंढने की कोशिश करी, हाथ में चले गए, आउट हो गए। मेरे को टेंशन नहीं थी कि भाई सात रन है, नीचे तीन बैट्समैन बैठे, उसके बाद जो मेन बैट्समैन था जो मारने वाला था उसको मैं इशारा कर रहा हूँ बैटिंग करेगा, नहीं नहीं अभी बन जाएंगे, पहले दो बंदे भेज दिए उसने और वो आया आखिरी में बैटिंग करने, वो दोनों बंदे भी आउट हो गए। और देखो मैच की हालत क्या हुई है, आखिरी बॉल तक मैच किया, एक बॉल पे एक रन। साथ तेरा मंगदा नहीं, ओ एम जी दोस्तों, चैन मिल गया जी चैन, मैच जीतने के बाद पवेलियन में शावर और फिर गाड़ी में बैठ के जाओ ना, सुपर फन। बस अभी हमें होटल ढूंढना है एंड फिर कुछ खाना पीना है, थोड़ी सी पार्टी करते हैं, देखते हैं जी कल भी मैच है। आई होप यू एंजॉय दिस मैच। पैठा सिंह की लेन देनी हो रखी थी डग आउट में बैठे हुए, जल्दी आउट हो गए आज, छक्का मार दिया पर छक्का इन्होंने बहुत अच्छा मारा कवर्स के ऊपर से, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। माई गॉड, सो दिस इज द पवेलियन इज द ड्रेसिंग रूम इज द देखो जी टांग रहे ऊपर जर्सी। ओ माय गॉड, चेक कर, लेट्स गो।